गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज आप पाना नंबर 27 और 28 अभ्यास सीखीशू, जेमा आप प्रत्येक चित्र के पास उसका हिंदी नाम कोष्टक से चुनकर लिखिए। अँ अपने केटलाक प्राणियों चित्र आप तो अपने एमना नाम हिंदी में आ काउंस में शोधीने लखवाना रहेशे। पहलू चित्र है बिलाड़ी, तो बिलाड़ी ने अपने हिंदी में शू कहीशू, बिल्ली। पची छे हरण, तो एने हिंदी में शू कहेवाशे, हिरण। पची छे शियाळ, तो एने हिंदी में शू कहेवाशे, लोमड़ी। पची छे चित्तो, तो एने हिंदी में लखाशे, चित्ता। पची छे रीछ, तो एने हिंदी नाम छे, भालू। पची कूतरो, तो एने हिंदी नाम छे, कूत्ता। पची छे हाथी, तो एने हिंदी में पण हाथी ज कहेवाशे। पची छे ऊँट, तो एने हिंदी में ऊँट आवी रीते लखाशे। पची छे घेटू, जेने हिंदी में आपणे भेड़ तरीके ओळखीए छे। पची छे वांदरो, तो एने आपणे बंदर तरीके ओळखीए छे। त्यारबाद आपणे पाना नंबर 28 पर जोईशुं, प्रत्येक चित्र के पास उसका हिंदी नाम कोष्टक से चुनकर लिखे। अहीं पण आपणे प्राणीओना चित्र आप्या छे, तो आपणे एनुं हिंदी नाम કૌંસમાંથી શોધીને લખવાનું છે। તો પહેલાં ચિત્ર છે ગાયનું, તો એને હિન્દીમાં લખાશે ગાય। પછી છે ભેંસ, તો એને હિન્દીમાં લખાશે ભેંસ। પછી છે બકરી, તો એને હિન્દીમાં લખાશે બકરી। પછી છે સિંહ, તો એને હિન્દીમાં સિંહ લખાશે, અને શેર પણ આપણે એનું નામ ઓળખીએ છીએ। પછી છે ઘોડા, તો એને હિન્દીમાં લખાશે ઘોડા। પછી છે સસલું, તો એને હિન્દીમાં લખાશે ખરગોશ। પછી છે કૂતતા, એટલે કે કૂતરો, એને હિન્દીમાં આપણે કૂતતા બોલીશું। પછી છે વાઘ, તો એને હિન્દીમાં લખાશે બાઘ। તો ડિયર સ્ટુડન્ટ્સ, તમારે તમારી ચોપડીમાં પાના નંબર 27 અને 28 અભ્યાસ લખવાનો રહેશે। થેન્ક યુ।